सामने की तरफ देखोगे अगर आप गाड़ी को, तो यहाँ पे हमने इसका कपलर खोल दिया है। हेडलाइट जो है वो मिसिंग है। काफी लोग डाउटफुल में कि हेडलाइट और डीआरएल अलग अलग पार्ट है कि एक ही पार्ट है, वो दोनों एक ही पार्ट है। तो अगर आप लोगों को टॉप मॉडल की हेडलाइट लगानी है तो आप वो लगा सकते हो, या फिर आप उसी हेडलाइट के अंदर अपनी डीआरएल भी लगा सकते हो। तो अभी डीआरएल लगने के लिए अभी ऊपर काम कर रहे हैं भैया, ऊपर देख पाओगे ठीक है, तो वो अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी डीआरएल फिट हो जाएगी, उसके बाद इसके अंदर लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि डीआरएल की फंक्शनिंग कैसे रहेगी इसके अंदर। इसमें जो चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं वो है अपना फ्रंट साइड पे JBL GTO, और बैक साइड पे जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो है अपना 390। तो ये पीछे पड़ा हुआ 390 वाला और GTO वाला बॉक्स आगे पड़ा है, तो ये GTO होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक स्पीकर दिखा देता हूँ कैसा है। वैसे मैंने अदर वीडियोज़ में भी आप लोगों को दिखा रखा है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स में दिखा रखा है, बट इसमें मैं हल्का फुल्का आपको दिखा दूंगा। इस तरीके का होता है, इसमें प्लास्टिक की केसिंग भी होती है अपने मैग्नेट के आसपास सेफ्टी के लिए। बैक साइड से ये ओरिजिनलिटी की पहचान है। इसका सीरियल नंबर हरमन के स्पीकर होते हैं, GTO 609C इसका कंपोनेंट का कोड है। वायरिंग किट जो है वो इंस्टॉल करी गई है हमारी 8 गेज की। हमारा एम्पलीफायर नीचे अभी लगा हुआ है, अभी इसकी सेटिंग करी जाएगी, सेटिंग नहीं हुई है। एम्पलीफायर जो है हाइपरसोनिक का सबसे महंगा एम्पलीफायर है यही वाला, तो वही वाला इंस्टॉल करा हमने मॉन्स्टर, और बढ़िया एम्पलीफायर है, वोल्टेज भी अच्छी खासी उठा लेता है और सप्लाई भी अच्छी है, फ्रीक्वेंसी भी डिसेंट है, कोई आपको इसमें नॉइस वॉइस की प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये वाला हमने लगा दिया ताकि ये सारे हमारे कंपोनेंट्स बढ़िया तरीके से बच सके। काम कंप्लीट तो नहीं हुआ है लेकिन आपको कल वाली वीडियो में पूरा भाई दिखाएंगे। बिल्कुल भाई, इसके अंदर नेक्स्ट लेवल वाला काम हो रहा है, फर्स्ट टाइम इंडिया होने वाला है ये फर्स्ट। चलो वो तो करते रहते हैं, देखो फर्स्ट टाइम भाई बहुत कुछ करते हैं, हम हर गाड़ी में करते रहते, ट्राई करते रहते हैं हमेशा, कभी जो है ना चीज के लिए भाई ना नहीं कहते। अभी जो है मैं बताता हूँ अभी हमने क्या करा है। अभी हमने कम से कम 15 गाने सुने हैं, 15 गाने में सारी सेटिंग करी है, पहले भाई ने करी, फिर थोड़ा बहुत हमने भी चेंजेस करे जो हम सुनते हैं जिस तरीके का सुनते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक प्रीमियम साउंड जब आप लगा रहे हो ना, आप कोई भी महंगे एयरपोर्ट्स ले लो, एप्पल के ले लो, टू ले लो या प्रो ले लो, या फिर आप कोई भी अच्छी ब्रांडेड जो ईयरफोन्स आते हैं वो सुन लो, एक बारी वो गाना उसमें सुनो, सेम गाना आप अपनी गाड़ी में बैठ के सुनो, अगर उसकी ऑडियो क्वालिटी सेम टू सेम आ रही है या फिर एक्चुअल उतनी आ रही है जितनी आनी चाहिए जैसे PVR के सिनेमाज में होती है, तो आपका जो साउंड सेटअप है भाई वो हमारी तरफ से कंप्लीटेड है। अभी हमने काफी चेंजेस करे, हम एम्पलीफायर से भी करे पहले, फिर हमने स्क्रीन से करे, स्क्रीन से पहले जीरो पे ही रखते हैं, बाद में चेंजेस करते हैं अगर नीड होती है कि उसके आउटपुट में कुछ चेंज करना है उसके अकॉर्डिंगली। ये भाई को ना फुर्सत नहीं है, एक मिनट वीडियो बन जाए, ये देख रहे हो फुल चिप्स लपेट रहे हैं यहाँ पे। अभी नीचे भाई एम्पलीफायर दिखा दो कौन से वाला है। तो ये हमारा हाइपरसोनिक का एम्पलीफायर था जिसमें हमने चार चैनल, चारों मतलब जितने भी हमारे चारों डोर्स हैं उसका स्पीकर हटा दिए वाले। कौन से हैं भाई, क्यों हटाए गए? पेपर कॉर्न स्पीकर है, एम्प इतना पावर नहीं ले रहा था क्योंकि ये मैग्नेट गर्म हो रहा था, मतलब ये एम्प पावर दे रहा था, ये गर्म हो रहा था मतलब ये नहीं ले रहा था, ये लोड नहीं ले रहा था एम्प के सामने। और इसके अंदर ना काफी पेपर कॉर्न, अगर कल को एक घंटे गाने म्यूजिक सुन रहे ये स्मेल जैसे गाड़ी के अंदर आने बर्निंग स्मेल जो आती है वो इसी की वजह से आती है, पेपर कोन की वजह से। बिकॉज ये जो पेपर कोन वाले होते हैं ना, पहली बात तो भाई ये पेपर, और उसके बाद इसकी जो अंदर स्पाइडर होती है ना वो भी इसमें से आप देख नहीं पाओगे, बिकॉज इसमें ना सराउंडिंग ये साइड की बाउंड्री से आप देख नहीं पाओगे, बट इसके जस्ट पीछे ना एक स्पाइडर होती है, चलो वो आएगा ही नहीं इसके अंदर, तो वो जो है काफी वीक होती है। साथ में अपना मैग्नेट वैगनेट जो है वो इस तरीके का है, फॉर्चुनर से तो बेटर लगे मेरे को क्वालिटी वाइज है, उस वाले से तो बेटर है। बिल्कुल भाई। तो फॉर्चुनर वाले हमने बीट में लगाए थे और इसमें जो है ये वाले उतार दिए हैं। उसके अंदर अब और बताता हूँ भाई, अब साउंड सेटअप हो चुका है, हमने गाने भी काफी सारे टेस्ट कर लिए, अब जो टाइम आता है क्या क्या इंस्टॉल हुआ भाई आगे एक बार रिवाइज करा दो, कोई स्किप करके आओ। इसके अंदर हमने सबसे पहले डबल लेयर डैम्पिंग की है, आगे हमने JBL का GTO डाले, 390 डाले, और MES लाइट हमने इंस्टॉल करे जो 6 पीस प्रोजेक्टर रहने वाली, उधर भी दिखा दो तो उधर डैशबोर्ड पर नहीं देते, हाँ इस साइड भी है, ये 5 पीस वाले में नहीं आएगा, 6 वाले में आएगा, 6 वाले में ही आएगा ठीक है। और इसके अंदर पैरों में MES लाइट लगाए और इसके अंदर वेलकम लाइट लगाए किया कैरेंस की, फर्स्ट टाइम जो इंडिया रहने वाले आगे DRL नहीं, वो पहले वैसे लग चुकी है, लग चुकी है लेकिन कल दिखाएंगे, चलो हम कल दिखाएंगे, लेकिन वो फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऐसे नहीं है क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी 2-4 वीडियोस में देख लिया है, एयरबैग वाले लग रहे हैं, मैटिंग लग रहे हैं। इसमें भी आज क्यों नहीं लगाया सीट कवर, हमने बनने के एक दिन का टाइम देना पड़ता है ऑर्डर पे, इसीलिए टाइम लेके कस्टमर को आना पड़ता है, कस्टमाइज करके देना इनको। अच्छा ये इनका बनेगा अभी कस्टमाइज्ड है, कस्टमाइज वो ये थाई सपोर्ट थोड़ा देना इसको, अच्छा इसमें चेंज करना है। और ये इनके पास दो कैरेंस है और इन्होंने बोला एक में अगर काम अच्छा होगा दूसरी भी आएगी, तो दूसरी भी मेरे चैनल पे आएगी क्योंकि गारंटीड भाई काम अच्छा हो रहा है, और हमने भाई अपना टाइम इन्वेस्ट करके अभी तो ये साउंड सेटअप कर दिया। एक बार आपको मैं NCS सुना देता हूँ, पंजाब स्टीयरिंग भी रैप, स्टीयरिंग रैप भी है, और बाकी जो पंजाबी सॉन्ग है वो इंस्टाग्राम पे आप लोगों को सुनने के लिए मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे आप जाके सुन सकते हो, डिस्क्रिप्शन जो है उसमें लिंक दिया हुआ है। अभी आप NCS एक बार सुन लो, कितना भी लाउड ले जाएंगे भाई सिस्टम फटेगा नहीं। Yeah, everybody knows that I'm breaking down.
knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. बाकी इसमें जो है ना प्रॉपर आईडी आपको लगेगा नहीं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपने इंस्टाग्राम पे यहाँ पे जाना है और इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रील्स जली हुई मिल जाएगी इसी गाड़ी की जो हमने शूट करी है अभी जस्ट नाउ। तो इसमें जो साउंड आउटपुट है ना वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा इन दोनों रील्स में, तो वो आप जाके सुन सकते हो। और बाकी नंबर भी है अगर कोई सिर्फ साउंड सेटअप कराना चाहता है तो भाई कहाँ करा सकते हैं? काउंटिंग कार स्क्रॉल बार हनुमान मंदिर गोल चेक करते हैं। नाम बता दो, ओ नाम नंबर बता दो भाई। मोबाइल नंबर है 9643673484। कभी भी कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो साउंड के लिए भाई स्पेशलाइज्ड, और ये देखो एम्पलीफायर हमने लगाया हेड यूनिट के साथ लगाया, ऐसा नहीं हेड यूनिट चेंज किया हो। और भाई हेड यूनिट खोलनी पड़ती है इसके लिए? बिल्कुल खोलनी पड़ती है, लेकिन किसी को पता नहीं उतना कहाँ कहाँ से खुलता है। हमने इसके अंदर प्रॉपर मेल फीमेल कपलर लगाया, हाइलो लगाया। ठीक है, तो मैं आपको फिनिशिंग दिखा देता हूँ, देख लो कहीं नहीं पड़ा हुआ, आपको पता नहीं चलेगा सिस्टम खुला हुआ। नहीं तो क्या होता है कि भाई स्क्रैचेस आ जाते हैं ना, तो यार बुरा लगता है भाई नई गाड़ी में। बिल्कुल किसी को पता नहीं है कहाँ से खुलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ है जो पूरी प्रॉपर इसमें खोल के इंस्टॉलेशन कर दी गई है। ये वाली कह रहे हैं इसका भाई सेकंड डे हमारा, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें भी डीआरएल इंस्टॉल हुई है, इसको देख हम देखी में। ये हमारे पास एक और है, तो इसमें भी जो है व्हाइट कलर की अपनी डीआरएल इंस्टॉल हो गई है। इसमें इंडिकेटर भी होता है, तो इंडिकेटर पे जब भी आप डालोगे तो उस समय ये जो है अपनी इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएगी। ये हमने इंस्टॉल करी है, तो इसमें इंडिकेटर्स भी अगर कंपनी वाले में देखोगे तो कंपनी वाले में इंडिकेटर नहीं होता, बट इसमें हमने इंडिकेटर भी इंस्टॉल करा है। बिल्कुल ज़बरदस्त वाली लुक है। दोबारा डीआरएल पे इसको सेट कर देते हैं, और नीचे की तरफ हमने इसको लगाया है। पार्किंग लाइट जो है वो हमने वाइट कर दी है, और अंदर की तरफ 130 वॉट की एलईडी इंस्टॉल करी गई है H4 में। और इस तरीके की इसमें डीआरएल पूरी जलेगी, और सामने से अगर आप इसकी विजन की बात करोगे तो ब्राइटनेस कुछ ऐसी आएगी। इस तरफ जो है इसकी पूरी डीआरएल इंस्टॉल करी गई है। ठीक है, ये जैसे कंपनी फिटेड आती है डीआरएल, उस तरीके की डीआरएल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। सो ये ऐसी रहती है। इसमें आपका इंडिकेटर वाला फंक्शन भी काम करता है, जिसमें ये इंडिकेटर की तरह भी वर्क करेगी, या फिर आप इसको डीआरएल की तरह रखना चाहते हैं तो इस तरीके से इंडिकेटर वाला जो फंक्शन है, अगर आप नहीं कनेक्ट करवाना चाहते तो वो भी ऑप्शन है, उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, जो वायरिंग है वो चीज़ नहीं डाली जाएगी। ये वाला जो हमारा वेरिएंट है वो डीजल वेरिएंट है, तो आप लोगों को इस साइड पे एक इंटरकूलर भी नज़र आ जाएगा, और नॉर्मली आप लोगों को इस तरीके से इंजन की साउंड रहेगी इस वाले वेरिएंट की। जो लाइट्स है, जो हमारी वायरिंग हुई है वो इनसाइड हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर इसका बॉक्स लगा हुआ है, बस उसको टेप से रोका गया, बाकी जो कनेक्शन है वो कपलर के अंदर है, तो यहाँ पर टेप से खाली बॉक्स को रोका गया, क्योंकि जो डीआरएल का बॉक्स है वो कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, तो उसको टेप से वहाँ पे लगा रखा है हम लोगों ने। इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे वो डीआरएल जल रही थी, ये इंडिकेटर जल रहा है, तो ऐसे आपका इंडिकेटर का पूरा आउटपुट रहेगा। अगर आप डीआरएल देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। सो ये डीआरएल है इसका, एज इट इज़ कंपनी वाली फीलिंग आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगी। अंदर की साइड चलते हैं, ऑटो फोल्डिंग मिरर अगर आप लोग करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। साइड में यहाँ पे हैंडल क्रोम इंस्टॉल किया गया, ये हैंडल क्रोम कल लगाया था इसलिए डस्ट आ गई है इसके ऊपर। ऊपर से हमने इसका डोर वाइजर भी इंस्टॉल किया जो कि 6 पीस का है। क्वार्टर पैनल का भी इसके अंदर आप लोगों को डोर वाइजर देखने के लिए मिलेगा। अंदर की साइड लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मेन जो अट्रैक्शन है गाड़ी का वो तो मैं भूल ही गया, वो है भाई हमारे अलॉय व्हील्स। ये सोनेट के आते हैं, ये हैं भाई हमारे 16 इंच के अलॉय व्हील्स। सेल्टोस में भी काफ़ी लोग लगाते थे। ओईएम वाली लुक आती है, कैप ओरिजिनल लगाई है इसके अंदर हमने आगे पीछे दोनों की। अगर ओवरऑल पूरी गाड़ी का लुक देखोगे कुछ ऐसा आएगा, और देखने में भाई गाड़ी की लुक देखते ही बनती है। एक तो 7 सीटर गाड़ी लंबी, और उसके अलावा भाई अलॉय व्हील से जान डल जाती है गाड़ी में। आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए तो वो लोग वो चीज़ भी आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन जो ओरिजिनलिटी होती है भाई वो इसके अंदर आती है। टायर्स अगर आप देखोगे बिल्कुल भी अपनी बॉडी लाइन से हल्का सा इतना सा भी बाहर आप लोगों को कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा कि भाई टायर निकल रहा हो। आफ्टर मार्केट अलॉय में क्या होता है, चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, टायर हल्का सा राउंड शेप होता है और वो ओवल शेप में बाहर आ जाता है। बट अगर आप इस टायर की बात करो सो काफ़ी बढ़िया तरीके से, जैसे कंपनी फिटेड में जो अपनी वॉल होती है वो बिल्कुल उठी हुई वॉल होती है ना, सेम उसी तरीके से इसकी वॉल भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। टायर जो इंस्टॉल करे गए हैं वो MRF के इंस्टॉल करे गए हैं। अलॉय व्हील 16 इंचेस टॉप मॉडल GT लाइन का सोनेट का इंस्टॉल किया गया है। कैप्स अपने ओरिजिनल रहते हैं। टायर साइज है 205/55/16। जहाँ पे 205 की बात करें तो उसकी चौड़ाई जो है ये 205 है, 65 उसकी चौड़ाई का 65% अपनी वॉल है, यानी कि चौड़ाई का 205 का 65% जो है वो अपनी वॉल है। उसके अलावा ये है अपना R16 का मतलब है कि जो इसका साइज़ है वो अपना रिम जो है वो 16 इंचेस का है, तो उसके हिसाब से ये पूरा जो लुक है मैंने आपको समझा दिया। इस टायर के अंदर काफ़ी एलिगेंट और बढ़िया लुक रहता है। ओवरऑल अगर आप इसको साइड वाइज या फ्रंट साइड से, गाड़ी भी थोड़ी सी गंदी है लेकिन अगर ये चमक रही होती तो इसका जो लुक है वो काफ़ी भाई ज़बरदस्त वाला लुक देखने के लिए मिलेगा। प्लस लाइट्स भी जो है इसकी काफ़ी हमने ब्राइट कर दी हैं,
तो इस वाले लाइट में तो मैं रिकमेंड करूंगा, जब अगर आप DRL लगवा रहे हो भाई, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होने चाहिए, आप इसमें प्रोजेक्टर भी इंस्टॉल करवाएं अलोंग विद द अपना DRLs, तभी इस गाड़ी की जो एक कट ऑफ लाइन आती है ना हमारे प्रोजेक्टर की, वो कट ऑफ लाइन इसके अंदर फिर आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। जो वीडियो देख के आए, जरूर एक प्रोजेक्टर जरूर लगवाना है इसके अंदर। अंदर की साइड आप लोगों को लेके चलता हूँ, सो अंदर की साइड इसमें एम्बिएंट लाइट देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि आप इससे पहले भी इसी वीडियो के शॉर्ट्स में देख चुके हो। एम्बिएंट लाइट जो है वो कलर चेंजिंग है, आप इसका कलर इजीली चेंज कर सकते हो अपने रिमोट के थ्रू या फिर एप्लीकेशन के थ्रू, जो भी आपको सूटेबल लगे अपने लिए चेंज करने के लिए, तो सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरीके से अगर ब्लू करेंगे तो नीचे के भी ब्लू पे सेट है, ये भी ब्लू पे सेट है, तो ये भी ब्लू पे काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगेगा। सीट कवर की बात करते हैं तो इसके अंदर एयरबैग वाले ही इंस्टॉल करें, वेलक्रो वाले। इसके अंदर वेंटिलेटेड डिज़ाइन दिया गया पूरा का पूरा, अभी तक जो है यही डिज़ाइन चल रहा है कैनन्स के अंदर, आपने मेरी और भी वीडियोस देखी होगी, यही डिज़ाइन चल रहा है। बस साइडें लोग चेंज करा लेते हैं, कोई ब्लैक करा लेता है, कोई ब्लू करा लेता है, इसमें साइडें ब्लैक है, तो इसीलिए इसका स्टेयरिंग भी ब्लैक में रैप किया गया। और डुअल टोन अगर आप देखोगे तो डुअल टोन स्टेयरिंग बनाया गया ऑफ वाइट के साथ, ब्लैक को टचअप करते हुए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये हेडरेस्ट है इसका, साइडें ब्लैक है, इसकी भी साइडें ब्लैक है, और इधर भी सबकी साइडें आपको ब्लैक मिलेगी। इनफैक्ट ये साइडें और पूरी की पूरी जो सीट की बैक होती है वो भी ब्लैक दी गई है, तो ये ब्लैक है। इसमें सिंगल स्टिचिंग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, सिंगल स्टिचिंग के साथ थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरफ अगर देखते हैं तो टंबल वाली आप लोगों को सीट देखने के लिए मिल जाएगी, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये सही, इस साइड देखते हैं तो ये टंबल वाली आप लोगों को सीट देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये इसका आर्मरेस्ट है। आर्मरेस्ट जो है वो आ भी सकता है और जा भी सकता है, तो दोनों साइड से है। इसको वापस खोल देते हैं और मैं आप लोगों को एक बारी सीट का आउटलुक दिखा देता हूँ, पूरा इस तरीके से आएगा बैक साइड का, और फ्रंट साइड की जो है वो लुक देखते ही बनती है। फ्रंट साइड का तो काफ़ी बढ़िया है। अभी एम्बिएंट लाइट और ये स्पीकर सारे हटा दिए जाएंगे, क्योंकि ये डिलीवरी जो है सुबह, मतलब एम्बिएंट लाइट जो यहाँ पे है उसको लगा देंगे, वायरिंग उसकी डल गई है पूरी, ये स्पीकर्स हटा देंगे क्योंकि सुबह डिलीवरी होगी गाड़ी की। इस तरफ जो है अपना साइड है ब्लैक दी गई है। ओवरऑल भाई गाड़ी का आउटपुट कैसा लगा, होपफुली वीडियो आपको पसंद आई है। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम। साउंड आउटपुट आप लोग सुन चुके हो कैसा है गाड़ी में, इसके अलावा छोटा मोटा कुछ हुआ होगा तो वो मिस आउट हो सकता है, जैसे कि छोटा मोटा कोई क्रोम आइटम या फिर कुछ और। ओवरऑल गाड़ी भाई काफ़ी बढ़िया लगती है वाली, अगर आप लोग काम कराना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं काउंटिंग कार्स पे, और ये काउंटिंग कार्स आपको सीधा यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारी RS माज रोड है, और ये RS माज रोड स्टार्ट होती है हमारे गोल चक्कर से, गोल चक्कर के बैरिकेड बंद हो जाते हैं, ये हनुमान मूर्ति है, और जैसे ही आप गोल चक्कर से इस तरफ को मुड़ने के लिए मुड़ेंगे RS माज रोड के लिए, तो वैसे ही आप लोगों को अपना, जैसे घुसोगे तो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को यहाँ पे बेदी मोटर्स और साथ में काउंटिंग कार्स का बोर्ड आपको नजर आ जाएगा, आप यहाँ पे आके अपना काम करा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे मतलब भैया जुड़ चुके हैं, भैया अपनी डिलीवरी लेके लेने के लिए आ चुके, फिर से दूसरी बार डिलीवरी, कैसा मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया काम रहा। और ओवरऑल फिटमेंट में कैसा लगा? बहुत बढ़िया फिटमेंट है। बाकी संजीव जी आपको समझा भी देते हैं कि क्या चीज लगानी चाहिए क्या नहीं लगानी चाहिए, मतलब बेस्ट चीज रिकमेंड करते हैं तरीके से ना। और कितना टाइम लगा इसको काम कंप्लीट होने में? देखो जी काम की कमिटमेंट तो 1.5-2 दिन की थी, बट मुझे 3.5 दिन लग गए। 3.5 दिन लगे संजीत भाई, लेकिन काम अच्छा दिया भाई। वीडियो में क्वालिटी आपने खुद ही देख ली, कैसा रिस्पांस मिल रहा है। सीट कवर की फिटमेंट अगर बात करें, क्वालिटी बात करें, हर चीज दिखावे करी थी आपको कि कौन से कपड़े में लगाया जाएगा। कस्टमाइजेशन मांगी थी, डुअल टोन में मांगी थी, उन्होंने वैसे ही बना के। और एयर बैग से पूरा ध्यान रखा गया? हाँ जी हाँ जी, मैंने ये मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि भाई जैसे 6 एयर बैग हैं, कल को अगर इन केस ऑफ अ मिसहैप डज द एयर बैग वर्क, उन्होंने समझाया कि साइड से जो ये लगाते हैं वो वेल्क्रो लगाया था साइड में, से प्रॉपरली एयर बैग्स खुले आपके यहाँ प्रॉपर वर्किंग एडवांटेज है। और साउंड में कैसा मजा आया? साउंड इन्होंने अभी रिकन्फिगर किया है मेरे हिसाब से, तो अभी तो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। ये भी इनका स्पीकर लगाया है इन्होंने आगे पीछे हर जगह, हाँ जी ऐप लगाया है, तो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी इज मच। संजीत भाई ऐसे कुछ काम में कितना खर्चा आया था? 1 लाख+ ही भैया, 1 लाख+ एलॉय व्हील्स के अंदर, एलॉय व्हील सिस्टम हर एक चीज हो चुकी है, अब कुछ जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन ये भरोसे वाली बात हो जो सारी अगर काम रेटिंग में, मतलब काम का कुछ रेटिंग देने कितने दोगे 10 में से? मैं 9 दूंगा। ये तो हर कोई काट के जाता है, एक नंबर जरूर काटता है हर कोई। चलो वीडियो को देख के यहाँ पर कोई आना चाहिए रिकमेंड है, कह रहे हैं सब यहाँ पर लाके काम कर सकते हैं संजीत भाई के पास। संजीत भाई अगर कोई और भाई आना चाहे तो कहाँ पर आना है? काउंटिंग का स्क्रॉल बार हनुमान मंदिर के पास। और कितना टाइम लोगे भाई? सुबह आओगे अगर बोलोगे और रात तक करके दे देंगे, मतलब एक दिन में भी करके दे देते हैं। दो तीन दिन छोड़ के चले जाओ। चलो भाई ठीक है भाई, ऐसे कर दो एक बार।